गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा हम दोहराई कर रहे हैं, आप लोगों का रिवीजन टेस्ट वन हो चुका है, रिवीजन टेस्ट टू के लिए हम लोग दोहराई कर रहे हैं। और आज हम करने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य आपके सिलेबस में रचना के आधार पर है। ओके, रचना के आधार पर वाक्य। कोई मुझे बताएगा कि वाक्य है क्या, वाक्य किसे कहते हैं, कोई बताएगा वाक्य होता क्या है? एनीबडी? मैम, जब शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांध कर लिखा जाता है तो वो वाक्य बन जाता है। अच्छा, जब हम शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर रख देते हैं तो उससे वाक्य बनता है। ओके, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। हमें व्यवस्थित शब्द लगाने की जरूरत बहुत ज्यादा है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। इसका क्या मतलब है? एक-एक शब्द को ध्यान से समझो। सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सार्थक हैं। आपको पता है ना, शब्द होते हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका अर्थ है, निरर्थक जिनका अर्थ नहीं होता। हम बोलते समय लेमन लैंग्वेज में ऐसे कुछ शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं जो निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे पानी धानी, पानी शानी, है ना। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। शब्द सार्थक होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए। व्यवस्थित मतलब सीरियल ऑर्डर में सिस्टमेटिक लिखे होने चाहिए। शब्द है हम पढ़ेंगे कल, है तो ये सारे सार्थक शब्द। हम का भी मतलब है, पढ़ेंगे का भी मतलब है, कल का भी मतलब है ना। लेकिन जब ये व्यवस्थित समूह में हो, हम कल पढ़ेंगे, तब ये वाक्य बनेगा। ओके, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। एक और आप डेफिनेशन इसकी कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो। हम जो बात कहना चाहते हैं, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे मन के भाव और विचार प्रकट करने में सक्षम हो, जिस वाक्य को पढ़कर पता चल जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। राइट, इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम शो करो। यस मैम। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट इज, आपने पढ़ा होगा उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय। ओके, उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब जिसके बारे में कहा जाए वो है उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो है विधेय। क्लियर?
उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो है विधेय। इज इट क्लियर बेटा? जैसे मैं लिखूं यशिका खिलौनों से खेल रही है, यहां किसकी बात हो रही है? हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए जल्दी प्लीज, स्पीक अप। किसकी बात हो रही है यहां पर? यशिका की बात हो रही है जो खिलौनों से खेल रही है। हाँ, तो यशिका क्या है? उद्देश्य। यशिका की बात हो रही है जिसके बारे में कहा जाए वो है उद्देश्य, जो कहा जाए खिलौनों से खेल रही है ये क्या हो गया? विधेय। ओके, क्लियर? उद्देश्य और विधेय क्लियर हुआ सबको? बेटा कोई हाँ ना बोल दो, कोई थंब शो कर दो मुझे पता चले ताकि मैं आगे पढ़ाऊं। यस मैम। ओके, थैंक यू सक्षम। चलिए, ये है वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, इसके बाद है वाक्यों का वर्गीकरण या वाक्यों के भेद। जो वाक्य के भेद हैं, दो आधार पर वाक्य भेद होते हैं, एक है अर्थ के आधार पर और एक है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपने 8 तरह के वाक्य पढ़े हैं, कोई बताएगा मुझे कौन कौन से? कोई बताएगा अर्थ के आधार पर कौन कौन से वाक्य पढ़े हैं आप में से कोई भी? नो? ओके, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। 8 तरह के भेद आपने पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े थे, क्लास 9 में भी पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे हैं रचना के आधार पर। रचना का मतलब है बनावट। इन दोनों में फर्क क्या है? अर्थ का मतलब होता है कि आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस पढ़कर जो अर्थ आपके सामने निकला, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपको पता चल गया सेंटेंस पढ़कर कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम कह देते हैं प्रश्नात्मक है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, सिंपल बात हो रही है, साधारण सी बात हो रही है, तो ये विधानवाचक। कुछ बच्चे कक्षा में नहीं आए हैं, हमें पता है कि कुछ बच्चों की बात हो रही है ना में हो रही है ना, तो मतलब ये निषेधात्मक है। वाह, तुम सबने क्लास लगाई, अच्छी बात हो रही है इसमें, एक भाव है इसमें, वाह, ठीक है। तो मतलब ये विस्मयादि बोधक हो गया, यानी कि वाक्यों को पढ़कर हमें जब उनका अर्थ समझ में आता है तो उन्हें हम अर्थ के आधार पर वाक्य कहते हैं। उसके बाद है रचना के आधार पर। रचना का मतलब है बनावट। हमें कैसे पता चले कि वाक्यों की बनावट क्या है? जब हमें ये पता चलता है कि वाक्य किस तरह से बने हैं। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है कौन से ये वाक्य हैं? सरल, संयुक्त, मिश्रित, बता सकता है कोई? हाँ या ना, हाथ खड़ा करिए बेटा, बोलिए प्लीज। सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है?
कोई भी नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं याद। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके हाँ जी निष्ठा बताइए बेटे। मैम सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है और वही प्रधान होता है, और जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो उपवाक होते हैं, लेकिन वो अलग अलग भी उनका मतलब निकल आता है। लेकिन मिश्र वाक्य में दो उपवाक होते हैं और वो इकट्ठे ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके राइट, थैंक यू निष्ठा। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल मतलब साधारण, सिंपल। सरल वाक्य, सरल वाक्य का मतलब ये है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। हमने अभी बात की थी उद्देश्य और विधेय की। उद्देश्य मतलब जिसकी बात की जाए, और विधेय मतलब जो बात की जाए, राइट। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, राइट। बिल्कुल सिंपल, जैसे मैं कहती हूं माँ भोजन पका रही है, माँ भोजन पका रही है। अब इसमें क्या है, माँ, माँ कौन है, माँ भोजन पका रही है, माँ उद्देश्य, ठीक है, और भोजन पका रही है विधेय, राइट। एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो ये सरल वाक्य, क्लियर। इनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया। क्रिया पता है ना सबको, जो काम होता है एक ही क्रिया हो रही है इसमें, ठीक है। एक उद्देश्य है, एक विधेय है, और एक ही क्रिया हो रही है। ओके इज इट क्लियर? यस मैम। जैसे मैं घर चला गया, मैं घर चला गया था। एक उद्देश्य है मैं, और एक विधेय है घर चला गया था। ओके एक उद्देश्य है और एक विधेय है। मैं घर चला गया था, मैं उद्देश्य, और घर चला गया था विधेय। गॉट इट? और एक ही क्रिया हो रही है, घर चले जाने की क्रिया, राइट। सिंपल सेंटेंस है, इधर बैठो, उसके बाद सच की जीत होती है, यहां सब लोग पढ़े लिखे हैं, सूरज निकल आया है, चिड़िया चहक रही है, हम पढ़ रहे हैं। ये सब सिंपल सेंटेंसेस हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, राइट। सरल वाक्य, इज इट क्लियर बेटा? चले आगे। ओके उसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जिन्हें आप इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य। बेटा ये वो वाक्य होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। दो सेंटेंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने अगर कहा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, राम खेलता है, ठीक है,
ये सेंटेंस मैंने लिया, राम खेलता है, ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, एक क्रिया है, ठीक है। साथ में अगर मैं ले लेती हूं, राजू पढ़ता है, दो सेंटेंस हो गए। अगर मैं इन्हें जोड़ देती हूं, राम खेलता है और राजू पढ़ता है, एक वाक्य बन गया। एक वाक्य को जब हम अलग अलग करेंगे तो दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, यानी कि दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस किंतु और परंतु तथा या आदि के साथ जुड़कर संयुक्त वाक्य बना देते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं, श्यामा बाजार गई और मेरे लिए खिलौने लाई। श्यामा बाजार गई और मेरे लिए खिलौने लाई। अब ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के हम दो वाक्य बना सकते हैं, एक वाक्य के दो वाक्य बन सकते हैं। श्यामा बाजार गई, एक वाक्य बन गया, वह मेरे लिए खिलौने लाई। दूसरा वाक्य बन गया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन गए, ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्य बन गए। स्वतंत्र, जब दो या दो से स्वतंत्र, दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र वाक्य और किंतु परंतु तथा या आदि के द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल्स देखो, सूरज निकल आया और तुम अभी तक नहीं उठे। सूरज निकल आया, एक सेंटेंस, तुम अभी तक नहीं उठे, दूसरा सेंटेंस, राइट? इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट होता है। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे ऐसे उपवाक्य होते हैं जो उस पर आश्रित होते हैं। जैसे नेहा ने कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी। नेहा ने कहा कि, नेहा ने कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी। नेहा ने कहा कि, क्या कहा, वह और अधिक परिश्रम करेगी, ठीक है। अगर हम ये लिखे वह और अधिक परिश्रम करेगी तो ये किस पर डिपेंडेंट है, नेहा ने कहा कि, एक मुख्य उपवाक्य है और बाकी का जो वाक्य है वो उस पर आश्रित है, ठीक है। वह ऐसे रो रही थी जैसे बच्चे रोते हैं। वह ऐसे रो रही थी कैसे, जैसे बच्चे रोते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। क्लियर? इसकी बेटा जो एग्जांपल्स हैं और इसका जो वाक्य रूपांतरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।